हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो पिछले वीडियो में हमने ईआर मॉडल का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें हमने एंटिटीज, एंटिटी सेट, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप सेट और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, सो लेट मी जस्ट राइट डाउन टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, सो एट्रीब्यूट्स कैन बी कैटेगराइज डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो ऑन द फर्स्ट कैटेगरी लेट्स राइट सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ओके, सो सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? सिंपल एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज एटॉमिक होती है और विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड इंटू सब एट्रीब्यूट्स और सब पार्ट्स। ओके, so I can write simple attributes are the ones which have atomic values or which cannot be broken down, which cannot be broken further into sub parts, okay, or sub attributes, okay, that are called simple attributes. Okay, for example, I can write mobile number, right? So mobile number jo hoga aapka, that will be a 10 digit number which cannot be broken down further, right? And another is composite attributes. Okay, so composite attributes kya hota hai? So composite attributes are the one which can further be broken down into sub attributes. Unko hum further sub parts mein divide kar sakte hai. Okay, so these are attributes which can further be divided or broken into sub parts. Okay, for example, address. अगर कोई attribute address है तो उसको मैं sub parts में divide कर सकता हूँ। How? I can say one part is address line 1, another is address line 2, another is let's say city, right? Then pin code, city, then pin code, and then let's say state. तो हमने इसको further 5 attributes में divide कर दिया हमारे address attribute को, ठीक है? और डायग्राम, ईआर डायग्राम में ये कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? सो डायग्रामेटिक नोटेशन ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है? सो एट्रीब्यूट्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओवल या इलिप्स की मदद से। तो जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलिप्स कनेक्टेड टू इलिप्स। ओके, हम एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बट बेसिकली जो हमारे सिंपल एट्रीब्यूट्स है उनको हम इलिप्स को डायरेक्टली रेक्टेंगल से कनेक्ट करते हैं, राइट? जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके जो सब पार्ट्स होते हैं दैट आर कनेक्टेड टू इलिप्स। ओके, सो आई कैन राइट इलिप्स कनेक्टेड टू इलिप्स। ओके, so this is composite attributes. So that was the first categorization, simple attributes versus composite attributes. Okay, another category is derived attributes. So derived attributes क्या होता है? Derived attributes वो होते हैं जिनको हम एक कोई base attribute होता है उनकी value से derive कर सकते हैं। Okay, so these are attributes whose values can be derived
फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स विच आर नोन एज बेस और स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। ओके, तो कोई बेस या स्टोर्ड एट्रीब्यूट होता है और उनकी मदद से हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स जो होता है उनकी वैल्यू स्टोर्ड नहीं होती, बट इट इज कैलकुलेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बेस और स्टोर्ड एट्रीब्यूट। ओके, सो दीज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम बेस एट्रीब्यूट्स when required। okay, और इनका डायग्रामेटिक नोटेशन क्या होता है? इनका डायग्रामेटिक नोटेशन होता है डैश्ड इलिप्स। ओके, डैश्ड इलिप्स, राइट? विल सी एन एग्जाम्पल ऑफ नोटिस डायग्राम ऑल्सो, सो डोंट वरी। ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एज, एज कैन बी अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। तो अगर डेट ऑफ बर्थ भी हमारी स्टोर्ड है तो हम करंट डेट और डेट ऑफ बर्थ इन दोनों का यूज करके हम एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायनेमिकली अपडेट भी होती रहेगी, हमें एज को हर बार अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ऑल्सो ये जो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स हमने देखे थे, तो सिंपल एट्रीब्यूट्स के कंपेयर में इसका एडवांटेज क्या होगा? ये हमें और फर्दर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक एड्रेस एट्रीब्यूट है और उसको मैं सिंगल एट्रीब्यूट की तरह स्टोर करूँ और उसमें पूरा एट्रीब्यूट स्टोर कर लूँ, उसकी जगह अगर मैं उसको कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट की तरह स्टोर करूँ और एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, पिन कोड और स्टेट इस तरह से स्टोर करूँ, तो मुझे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे इस पिन कोड वाले सभी मेंबर्स का डिटेल्स चाहिए, तो मैं वो निकाल सकता हूँ क्योंकि अब वो अलग एट्रीब्यूट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो और डिटेलिंग देता है हमें। ठीक है, सो दैट्स वन ऑफ द एडवांटेज। ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ मोर क्लीनर। अगर हम एक एड्रेस में पूरा लिखते हैं, अब उसमें से कौन सा एड्रेस लाइन 1 है, कौन सा एड्रेस लाइन 2 है, कौन सा सिटी का नेम है, ओके, वी डू नॉट नो। अगर हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स कर देते हैं तो वो हमें मोर डिटेलिंग दे सकता है, राइट? सो दिस इज द सेकेंड थिंग। एंड थर्ड कैटेगराइजेशन इज सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ओके, तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होता है? ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी सिंगल वैल्यूज होती है, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होता है? ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, राइट? सो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैव सिंगल वैल्यूज, ओके, एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, राइट? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल आई कैन राइट पान कार्ड नंबर, राइट? वो हर एक पर्सन का एक ही होगा, राइट? और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आई कैन राइट मोबाइल नंबर। एक पर्सन के पास मल्टीपल मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं,
राइट। सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एट्रीब्यूट्स, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स में पहला हमने क्या देखा, सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट मतलब विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स मतलब जिनको हम फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल वॉज एड्रेस और इनका डायग्रामेटिक नोटेशन है इलिप्स कनेक्टेड टू इलिप्स, ओके। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या थे, वो एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू को हम बाकी एट्रीब्यूट्स जिनको हम बेस एट्रीब्यूट या स्टोर्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं उनके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन रिक्वायर्ड। डायग्रामेटिक रोटेशन था डैश इलिप्स। ऑन थर्ड कैटेगराइजेशन वॉज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट वर्सेज मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट इज द एट्रीब्यूट्स जिनकी एक ही वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल पान कार्ड नंबर। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर द एट्रीब्यूट्स जिनकी मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर, ओके। और जो आपका मल्टी वैल्यूड है एट्रीब्यूट उनका डायग्रामेटिक नोटेशन क्या होगा, डायग्रामेटिक नोटेशन ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज व्हाट, इट इज डबल इलिप्स, ओके, डबल इलिप्स, ठीक है। अब हमने सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा एंड सिंपल एट्रीब्यूट्स एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनकी मदद से, सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ये एक बन सकता है, मतलब कि एट्रीब्यूट जो है वो सिंपल है, फर्दर ब्रोक डाउन नहीं हो सकता और उनकी वैल्यू भी सिंगल है, ओके। एग्जांपल क्या होगा, पैन कार्ड नंबर, राइट, दैट कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल। दूसरा क्या हो सकता है, सिंपल बट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, राइट, मतलब कि सिंपल मतलब विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन बट इट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, राइट। इसका एग्जांपल क्या होगा, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का नंबर है तो सिंपल एट्रीब्यूट है बट मल्टीपल वैल्यूज तो पॉसिबल है, राइट। थर्ड एग्जांपल क्या होगा, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्पोजिट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, मतलब कि कॉम्पोजिट मतलब इट कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू सब पार्ट्स और सिंगल वैल्यूड मतलब उसकी वैल्यू एक ही होगी। इसका एग्जांपल क्या होगा, नेम। नेम आपका कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम में, राइट। बट इसकी वैल्यू तो एक ही होगी, सो कॉम्पोजिट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड कॉम्पोजिट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। कॉम्पोजिट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब वो एट्रीब्यूट जो है वो फर्दर ब्रेकडाउन भी होगा, कॉम्पोजिट भी है एंड मल्टी वैल्यूड भी है, उसकी मल्टीपल वैल्यूज भी पॉसिबल है। तो कॉम्पोजिट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का एग्जांपल क्या हो सकता है, क्वालिफिकेशन, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं लेट से डिग्री में, मतलब कि मान लो आपका बीटेक है, एमटेक है, फर्दर देन ब्रांच, ब्रांच नेम एंड ईयर ऑफ पासिंग, ओके, और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो आपका डिग्री नेम मतलब कि बीटेक है, एमटेक है, बीएससी है, बीसीए है, कौन सी ब्रांच से एंड कौन से ईयर पास आउट हो, ठीक है। तो ये मल्टी वैल्यूड भी है क्योंकि मल्टीपल क्वालिफिकेशन हो सकता है एंड कॉम्पोजिट भी है बिकॉज इसको हमने फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया, ओके। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट से एक एम्प्लॉय एंटिटी है, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग हम ये सब डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय एंटिटी सबसे पहले मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, रेक्टेंगल की मदद से, राइट। अब मुझे इन चारों के एग्जांपल लेने हैं। तो सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या था, पान कार्ड नंबर, हम आधार कार्ड नंबर भी ले सकते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया लेट से पैन नंबर, तो ये सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। देन सिंपल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मोबाइल नंबर, राइट, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट होता है, डबल इलिप्स की मदद से, ठीक है। देन कॉम्पोजिट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट मुझे चाहिए, कॉम्पोजिट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या था हमारा, नेम,
सो आई कैन से नेम ऑफ द एम्प्लॉय, और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट होता है, इलिप्स कनेक्टेड टू इलिप्स. सो ये जो नेम है उसमें मैं फर्दर इलिप्स कनेक्ट कर दूंगा, एफ नेम, मिडल नेम एंड एल नेम. ठीक है, लास्ट क्या था, कॉम्पोजिट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, कॉम्पोजिट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या था, क्वालिफिकेशन. सो आई कैन से क्वालिफिकेशन, दिस इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सो आई विल रिप्रेजेंट इट यूजिंग अ डबल इलिप्स, एंड इट इज अ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, सो आई कैन फर्दर राइट डिग्री, राइट, देन आई कैन राइट ब्रांच, एंड आई कैन से ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. ठीक है, इसके अलावा डिराइव्ड एट्रीब्यूट था, तो एक मान लो हमारा यहाँ पे एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ, तो उससे मैं एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट ले सकता हूँ एज, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट होता है, डैश्ड इलिप्स की मदद से, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, तो अब हमें और डिटेलिंग मिल गई. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको ईआर डायग्राम इस तरह का देता है, तो यहाँ पे आप, अगर आपको ईआर डायग्राम का नॉलेज है तो आप देख के ही बता दोगे कि एम्प्लॉय एक एंटिटी है जिनका हम पान कार्ड स्टोर कर रहे हैं, पान नंबर, डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर रहे हैं, एज को हम डिराइव कर रहे हैं, मोबाइल नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, नेम जो है वो कॉम्पोजिट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, क्वालिफिकेशन कॉम्पोजिट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, और पान जो है पैन कार्ड नंबर, दैट इज सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. राइट, ये सब चीजें आगे जब हम रिलेशनल टेबल में इनको कन्वर्ट करेंगे रिलेशनल मॉडल में, तो किस तरह का एट्रीब्यूट है उसके डिपेंडिंग हमें उसका कन्वर्जन भी अलग, मतलब अलग अलग तरीके से करना पड़ सकता है. ठीक है, इनको हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो दिस वर द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है. थैंक यू.